हेलो दोस्तों, तो आज हम जा रहे हैं शेख पीर बाबा के दरगाह पे जो बिहार के छपरा जिला के नराव गांव में है। हम बाइक से आए थे दोस्तों, लेकिन रास्ते पे पानी भर गया है बारिश के कारण, तो हम पास के ही गांव में बाइक को पार्क कर दिए हैं। और यहां से लगभग 2 किलोमीटर है दरगाह, और हम लोग पटरी के रास्ते से जा रहे हैं। पटरी के ऊपर से ही जाएंगे, देखते हैं कब तक पहुँचते हैं। आधे घंटे से ज़्यादा हो गया चलते चलते, ट्रेन आते जाते रहता है बीच बीच में। देखो ट्रेन भी आ गई, दो पटरियाँ यहाँ पे, एक पटरी पे जब ट्रेन आती है तो हम लोग दूसरी पटरी पे चले जाते हैं। संभल संभल कर चल रहे हैं हम लोग। यहाँ से गांव लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पे है, और गांव के लोग दरगाह पटरी पार करके आते हैं। मैं अपने भाई के साथ आया हुआ हूँ। देखिए मेरा भाई आगे के चल रहा है, लीड कर रहा है मुझे, और उसी का मन्ना था इसलिए चादर चढ़ाने आए हैं। गाड़ी से आने का कोई भी रास्ता नहीं है, आप लोग देख सकते हो आसपास में कुछ भी नहीं है, बस एक दरगाह है और दूर दूर तक खेत फैला हुआ है। तो फाइनली दरगाह आ चुकी है, और जैसा कि देख रहे हैं हम नीचे दरगाह है, हम नीचे जा रहे हैं और अंदर जाके आपको दिखाएंगे कि कैसे जब किसी इंसान के ऊपर आत्मा हावी हो जाती है तो कैसे वो बिहेव करने लगता है। आपको दिखाने वाले हैं लाइव पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़। ये देखिए कैसा रास्ता है। तो हम लोग फाइनली पटरी से उतर कर नीचे दरगाह की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे हर एक 15 मिनट पे ट्रेन आती है, तो देख लो हम लोग नीचे आ चुके हैं, फिर भी ट्रेन ऊपर से जा रही है। तो पटरी पे चलना बहुत ही रिस्की है, समझ के देख कर दोनों तरफ चलना पड़ता है। लेडीज़ को दरगाह के अंदर जाना मना है, तो वो बाहर बैठकर ही दुआ मांगती है। मैंने सुना है कि यहाँ दुआ मांगने पर पूरी हो जाती है, सबकी दुआ कबूल हो जाती है। तो जब पिछली बार मेरा भाई आया था तो उसने दुआ मांगी थी जो पूरी हो चुकी है, इसलिए हम अब चादर चढ़ाने आए हैं। तो आप सब भी दुआ मांग सकते हो यहाँ आकर, और सबकी दुआ कबूल हो जाएगी। तो दरगाह के अंदर चलते हैं, आप देखते हैं। तो ये पीर बाबा का मकबरा है जहाँ पे हम चादर चढ़ाने वाले हैं। चादर और प्रसाद दरगाह के अंदर ही मिल जाता है, कुछ भी घर से लाने की ज़रूरत नहीं है। अगरबत्ती, माचिस, प्रसाद, फूल सब मिल जाता है। आपको नज़ारा देखो कैसे वो लड़की अपनी बॉडी को घुमा रही है, पटक रही है जोर जोर से जमीन पे। शायद वो बेहोश हो चुकी है, और वो दूसरी औरत जो जोर जोर से गाना गा रही है किसी दूसरी लैंग्वेज में। बड़ा ही डरावना माहौल है दोस्तों, यहाँ में औरतों का बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। पता नहीं भूत औरत के ऊपर ही क्यों आता है ज़्यादातर मूवी में, देखो या रियल लाइफ में पता नहीं, ये जानने के लिए थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा। अगर आपको पहले पता चल जाए तो बता देना यार। तो दोस्तों मैंने ये वीडियो बहुत ही रिस्क लेकर बनाई है आप लोगों के लिए, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि फ्यूचर में किसी नई जगह के बारे में पता करें और उसके ऊपर वीडियो बनाएं। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।